आप ही रहते हो, सबसे ज्यादा दर्शन करा दिए, क्या कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो पल्ले का सिस्टम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी व्लॉग में। और आपको बता दूं कि रात का टाइम है, और रात का टाइम नहीं बल्कि ये है टाइम 6 बजे का, और जहां हम जा रहे हैं वो 6 बजे ही मतलब अवेलेबल हो पाता है। तो यहां पर हम फिलहाल जा रहे हैं एक मंदिर जो है वो साउथ का मंदिर है, जिसे मलाई मंदिर कहते हैं, बहुत लोग जानते हैं इसके बारे में। और वहाँ पर जितने भी भगवान हैं सब साउथ का है, पर अविष्का को एक्चुअली क्या है, हम हर धर्म हर चीज़ों से अवेयर कराते हैं और दिल्ली की सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें उसको पता हो, ये ना हो कि कोई फ्रेंड कहे कि ये नहीं है और उसको पता ना हो, और होना भी यही चाहिए। हम जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी के बारे में हमें प्रॉपर तरीके से जानना चाहिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, मलाई मंदिर में पूजा भी करते हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं, और आपको एक साउथ का टच जो होता है ना वो दिल्ली में ही दिखाते हैं, क्योंकि हम नॉर्थ वाले जो है बहुत ही कम होता है। पर मैं एक बार मलाई मंदिर जा चुकी हूँ, पर ये दूसरी बार है, तब अविष्का नहीं हुई थी और अविष्का हो चुकी हूँ, तो अविष्का को एक मन है कि मैं एक बार साउथ का मंदिर दिखाऊं। जाम लगा हुआ है, सब लोग अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। अविष्का के पास टाइम पास करने के लिए कोई जरिया नहीं है, ना मेरे पास है, सबसे ज़्यादा इनके पास। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है भैया, हम तो मैच देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं। फाइनली गाड़ी पार्क हो गई है, और यहीं पर सामने मंदिर के सामने जो है कार पार्किंग दी हुई है, और ये अंदर की साइड में कार पार्किंग है और बाहर की साइड में बाइक की भी है, कुछ बाइक यहाँ भी लगी हुई है, तो जो जैसे चाहे वहाँ पार्क कर सकता है। काफ़ी अच्छी सुविधा है पार्किंग की, और सामने है प्रसाद के लिए। और ये एंट्री इधर से कर दी गई, पहले एंट्री फ्रंट से थी, पर अब ये एंट्री यहाँ से कर दी गई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैंने देखा कि मतलब कोई भी लेडीज़ जो है वो सर पे पल्ला नहीं रख रही थी, तो मतलब साउथ में पल्ले का कोई प्रचलन नहीं है, और फिलहाल मुझे आदत नहीं है तो मैं बार बार रख ले रही थी, बार बार उतार रही थी, तो लोग मुझे अजीब से देख रहे थे, वो जान जा रहे थे कि ये नॉर्थ साइड की हैं, क्योंकि हमारे साइड में पल्ला न रखने पर हमें ऐसा लगता है कि हम भगवान को सम्मान नहीं दे रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है प्रसाद रखने मतलब प्रसाद चढ़ाने का भी कोई नहीं है, हमने तो केवल फूल लिए थे और फूल ही जो है वो माला चढ़ा दी, उसके अलावा यहाँ पर कोई प्रसाद नहीं चढ़ता है, सिर्फ ये माथे पे टीका लगाने का जो है वो देते हैं। और यहाँ पर कोई भी आपको गंदगी इस तरह की नहीं दिखेगी, हमारे मंदिरों में तो भर भर के प्रसाद और फूल चढ़ाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये मंदिर इसीलिए काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा है आपको। तो हमारा कल्चर इनका कल्चर काफ़ी अलग है, और सर पे पल्ला क्यों नहीं रखते हैं मुझे अभी तक नहीं पता चला, अगर आपको किसी को पता हो कि साउथ में क्यों नहीं रखते हैं तो आप लोग ज़रूर बताएं। फिलहाल यहाँ अब ये सीढ़ियों पे चढ़कर दूसरे मंदिर है जहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। और साउथ में यहाँ पर जैसे पल्ले का सिस्टम पल्ले से नहीं, यहाँ पर पल्ला सर पर रख करके कोई नहीं करता, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं करता, पर हमारे साइड में हमें पल्ला रखेंगे। तो ये सारा जो है साउथ का ही है सारा कल्चर, और शायद साउथ के लोग काफ़ी मॉडर्न होते हैं, शायद इस वजह से यहाँ पर मॉडर्न ड्रेसेस में भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं मंदिरों में पूजा करने के लिए। हमारे साइड में तो ऐसा नहीं होता, और सबका कल्चर अलग अलग है, मैं किसी कल्चर को नहीं कहती कि किसी कल्चर में किस तरह से होता है, पर मैं एक्चुअली पहली बार ऐसा देख रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा था जो मैंने व्लॉग में बोल दिया है। यहाँ पर यहाँ से पूरी दिल्ली दिखती है, दिल्ली का फ्लाईओवर, दिल्ली का सब कुछ देख लीजिए, पूरी दिल्ली यहाँ से पूरी दिखने वाली है ना, है? हाँ, तो पूरा मंदिर काफ़ी खूबसूरत बना हुआ देखिए। तो इस समय जो हाँ, इस समय यहाँ देख रहे हो पूरी दिल्ली दिख रही है, सबसे टॉप फ्लोर पर हम आ गए, मैं हाँफने भी लगी हूँ। अंदर जो है पूजा वूजा चल रही थी, उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर आई हूँ। हाँ, तो ये मंदिर जो है वो आर के पुरम में है, और ये मैंने जैसे बताया कि पार्किंग वगैरह अच्छी है, तो
तो यहाँ पर इसको विज़िट कर सकते हैं। शांति बहुत मिलती क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में भी बहुत ज़्यादा शांति है यहाँ पर। टॉप फ्लोर पे आकर के काफ़ी ऊंचा है, नीचे से मैंने आपको दिखाया ना पूरा यहाँ से दिल्ली दिखता है। तो आ गई हूँ अब, अभी के पापा दोनों टहल रहे हैं। ये मंदिर के चारों ओर इस तरह से बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर चाहे तो लोग बैठ करके शांति से अपना जो है कहते हैं ना थोड़ा मन की शांति लेनी हो तो यहाँ पर आ सकते हैं। फाइनली जो है हम मंदिर से निकल चुके हैं क्योंकि अब काफ़ी टाइम, ये भी जो है मंदिर इसका जो टाइमिंग है वो 5 to 8 है, तो 8 बजे अब बंद ही होने वाला है। और वैसे मंदिर में जो भी हमें करना था हमने कर लिया। आज हमें मतलब घूमने घामने में काफ़ी लेट लग गया, वरना आपको बता दूँ साउथ दिल्ली जब आते हैं यहाँ पर तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बगल में ही संडे को संडे मार्केट लगती है, काफ़ी बड़ी मार्केट होती है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम वहाँ जाएँ क्योंकि 8 बज गए हैं, कल स्कूल भी है तो स्कूल भी बेटी को भेजना है और काफ़ी थक भी गए हैं तो इस वजह से मन नहीं है। तो हमने इस मंदिर में प्रसाद भी खाया क्योंकि अक्सर हर मंदिर में, यहाँ दिल्ली के हर मंदिर में जो है वो भंडारा टाइप का हमेशा चलता रहता है। जब भी कभी आइए ना आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, माता आने वाली है 15 अक्टूबर को, तो सोच लीजिए कि मान के चलिए कि इतना भंडारा, इतना भंडारा कि लगता है दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो है पापी रहते हैं सबसे ज़्यादा जो है पूजा पाठ करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, यहाँ इतना ज़्यादा क्यों होता है आई डोंट नो, पर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि मैं जब लखनऊ में रहती थी इतना नहीं होता था। तो बस अब चल रहे हैं घर और इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। आई होप सो आपको मंदिर के दर्शन करा दिए। क्या कर रहे हो, कहीं और देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं, क्रिकेट में इतना ध्यान है बाबर ये कि मतलब ऑटो कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगा बेटा, हमारा लग जाता उससे पहले तो वो जो है ऑटो वाला ये खड़ा था और अवि के पापा की गलती थी उसमें, नो डाउट। वो क्योंकि वो खड़ा हुआ था और इनका क्रिकेट के देखने के चक्कर में ना अचानक से ऑन कर दी, वो उतर के देख भी रहा था कि उसका कुछ टूटा तो है नहीं क्योंकि नहीं, हमारा ना हमारा टूटा ना उसका। हाँ, पर आपने आप खड़ी हुई ऑटो में घुस गए, कार मतलब खड़ी हुई ऑटो में ऐसी खड़े ऐसी डिस्टेंस पे पूजा पाठ करके निकले तो कुछ होना नहीं चाहिए, सब भगवान बचा के रखेंगे। और भगवान कहते हैं भगवान में आस्था भी आदमी इसी में रहता है कि हमको सुरक्षित रखेंगे, परिवार को सुरक्षित रखेंगे और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको भी अच्छे से रखेंगे। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, सभी को बाय बाय।